रंग सारे गुलाबी चुनरिया रे, रंग सारे गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया रे, मोहे मारे नजरिया सावरिया। Hello, 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 hello. Oh, very good evening to everyone. Good evening, good evening, good evening. क्या हाल चाल हैं बच्चे आप सब लोगों के? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो वेरी गुड इवनिंग हाशिम, गुड इवनिंग मुस्कान, ध्रुव, परी, वर्षा, प्रज्ञा, कुणाल। ओ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। ऑप्शन ऑफ व्हाट्सएप कम्युनिटी ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल फॉर ठीक है तो आप बेटा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी अपडेट्स आपको मिल जाएंगे, है ना। और PDF ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दी गई है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, ओहो मेरे को याद ही कर रहे थे, देखो मैं आ गया, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। गुड इवनिंग खुशी, गुड इवनिंग मधुकर, वेरी गुड इवनिंग। तो फाइनली वी आर बैक विद अवर ESG रिवीजन सीरीज एंड टुडे वी आर गोइंग टू हैव अवर 7th लेक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। और आज के इस लेक्चर में जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था, वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस ऑफ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड चैप्टर, दैट इज SS1। और जो क्वेश्चंस आज मैंने आपके सामने पुटअप किए हैं, ये क्वेश्चंस आपके कुछ पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं जो ICSI ने एग्जाम्स में पुटअप किए थे। और अलॉन्ग विद दैट ये क्वेश्चंस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, लाइक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो इससे आपको बहुत हेल्प होगी। ऑल्दो आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा ही होगा, उसका रीजन ये है कि सर आज जो हम लोगों ने चैप्टर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड करना है, इसमें हमको बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं करनी पड़ेगी। और अभी हाँ बिल्कुल बिल्कुल ध्रुव बिल्कुल, असल में हुआ क्या कि मैंने ना रिस्क मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चन शेयर किए, बट उसकी PDF शायद करप्ट हुई, जिसकी वजह से कुछ बच्चे उसको डाउनलोड ही नहीं कर पाए। कल भी मेरे को किसी ने बोला था कि सर आपने रिस्क मैनेजमेंट के क्वेश्चंस नहीं दिए। तो अभी अगर क्लास बाई चांस हमारी जल्दी ओवर हो जाती है, या जो भी 5 क्वेश्चन मैंने आज सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड के आपको कराने हैं, उसको कराने के बाद जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम होगा, उसमें मैं आपको CSR के क्वेश्चन और रिस्क मैनेजमेंट के जो एडिशनल क्वेश्चन हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आज मोस्ट प्रोबेबली आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे साथ, ठीक है। चलो CSR के क्वेश्चंस अगर ध्रुव होएगा तो बाय चांस हो सकता है शायद आपको कल तक मिले, बट कल तक फॉर श्योर आपको मिल जाएंगे, है ना। चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं सर। और आज जो हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं वो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड के हैं, PDF ऑलरेडी मैंने आपको शेयर की हुई है। और अगर मैं बोलूं तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं
इन क्वेश्चंस को पहले ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो हैं ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। कुछ एक आधा डायरेक्ट क्वेश्चन भी है, बट जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर अप किए हैं वो आपको केस स्टडी बेस्ड ही मिलेंगे। टोटल अगर आप देखेंगे तो आपको चार क्वेश्चंस दिखेंगे, बट वो चार नहीं, एक्चुअल में करीबन सात क्वेश्चंस हैं। कैसे, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। सर, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है सर, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा है कि आपको बोला गया है लाइक पी लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है विच इज हैविंग 10 डायरेक्टर्स बट ओनली 9 वर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर बोर्ड मीटिंग। तो कह रहे पी लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है और उस लिस्टेड कंपनी में टोटल कितने डायरेक्टर्स हैं, 10 डायरेक्टर्स हैं, बट उन 10 डायरेक्टर्स में से प्रेजेंट कितने हैं, सिर्फ 9 ही प्रेजेंट हैं। कितने प्रेजेंट हैं, सिर्फ ओनली 9 डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। फिर हम कह रहे हैं कि सर बोर्ड मीटिंग हो रही है लिस्टेड कंपनी की, 10 डायरेक्टर्स है बट 9 ही प्रेजेंट है, और क्वेश्चन हो रहा है व्हाट वुड बी द कोरम रिक्वायर्ड फॉर द बोर्ड मीटिंग। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर यहां पे बोर्ड मीटिंग का कोरम क्या होएगा। सेकेंडली आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एजेंडा आइटम नंबर इज 7। कह रहे एक पर्टिकुलर एजेंडा आइटम है और उस एजेंडा आइटम में जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं वो 7 हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस केस में व्हाट वुड बी द कोरम इन सच अ केस, डिस्कस विद रेफरेंस टू सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड नंबर 1 दैट इज SS1। तो दो क्वेश्चंस आपसे एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन में पुटअप किए गए हैं। पहला कि आपकी कंपनी में टोटल डायरेक्टर्स हैं 10, बट 10 में से सिर्फ 9 ही बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट हैं, तो क्या ये कोरम है, क्या ये रिक्विसाइट कोरम प्रेजेंट माना जाए। सेकंड, अगर आपसे बोला जा रहा है कि कोई एजेंडा आइटम ऐसा है सर जिसमें कुछ डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हैं, और पता लगा 9 में से 7 डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन उस पर्टिकुलर आइटम के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो दो लोग बचे, क्या वो रिक्वायर्ड कोरम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। तो हमारे सामने आया लाइक SS1 की जब हम बात करते हैं सर, तो हमसे ऐसे बोला जाता है कि सर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, किसकी मीटिंग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, तो जो कोरम होगा वो क्या होगा, टोटल स्ट्रेंथ का, किसका, टोटल स्ट्रेंथ का 1/3, टोटल स्ट्रेंथ का 1/3, और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। तो हमने बोला सर टोटल स्ट्रेंथ तो हमारी यहां पे दी हुई है 10, उसका 1/3 अगर हम करें तो ये तो 3.33 आ जाएगा। लेकिन सर हमने बोला कि अगर ये फ्रैक्शनल फिगर आ जाए तो हम नेक्स्ट फिगर राउंड ऑफ करते हैं, तो नेक्स्ट फिगर तो जो होगी वो होगी 4। तो हम लोगों ने बोला 4 और 2 विच एवर इज हायर। तो कह रहे ऐसे केस में तो जो हमारा कोरम बनता है वो 1/3 यानी कि 4 मिनिमम डायरेक्टर्स का प्रेजेंट होना जरूरी है। ऐसी सिचुएशन में सर देखिए लिखा हम लोगों ने ये लिखा द कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग शैल बी 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द बोर्ड और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। तो 1/3 टोटल स्ट्रेंथ का या फिर 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। तो हमको पता लगा 4 और 2 विच एवर इज हायर, तो 4 का कोरम आ गया। और लिखा एनी फ्रैक्शन कंटेन्ड इन द अबव 1/3, यानि अगर आप 1/3 की फिगर को कैलकुलेट करें और उसमें अगर कोई फ्रैक्शन आ जाए तो इट इज रिक्वायर्ड टू बी राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट वन। तो प्रीवियस वन को नहीं, जैसे मैथ्स में करते हैं 3.33 को 3 मान लेते हैं, कहते हैं यहां पे ऐसा नहीं होगा, 3 कुछ भी आया तो उसका 4 मानिए, 4 कुछ भी आया तो 5 मानिए। तब लिखा डायरेक्टर्स पार्टिसिपेटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इन अ मीटिंग। कह रहे SS1 ये भी कहता है कि अगर कोई पर्टिकुलर डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी कनेक्ट कर रहा है तो उसको भी हम कोरम के लिए प्रेजेंट मानेंगे। ही शैल ऑल्सो बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम unless they are to be excluded for any item of business under the provision of companies act or any other law. कह रहे अगर किसी पर्टिकुलर लॉ में लिखा हुआ है expressly कि कोई पर्टिकुलर डायरेक्टर अगर इलेक्ट्रॉनिक मीन से मीटिंग अटेंड करता है तो वो कोरम में काउंट नहीं होगा, तो एक अलग बात है किसी पर्टिकुलर बिजनेस आइटम में, अदरवाइज तो वो हर आइटम के लिए पास कोरम में काउंट होता है। और पहले होता था कि सर कुछ बिजनेस आइटम थे लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अडॉप्शन, बोर्ड रिपोर्ट की अडॉप्शन, इन पर्टिकुलर मीटिंग्स में अगर कोई डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक मीन से अटेंड करता था मीटिंग तो उन आइटम्स के लिए हम उसको प्रेजेंट नहीं मानते थे, बट कोविड के बाद अभी प्रेजेंट टाइम पे कंपनीज एक्ट में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी कोविड के बाद सर अभी प्रेजेंट टाइम पे अमेंडमेंट आने के बाद आज कोई भी बिजनेस आइटम डायरेक्टर इलेक्ट्रॉनिक मीन से अगर अटेंड करता है मीटिंग को तो हर बिजनेस आइटम के लिए वो कोरम में काउंट होता है। अभी देखिए हमारे केस में क्या है, पी लिमिटेड के टोटल डायरेक्टर्स कितने हैं 10, देयरफॉर जो कोरम होगा वो कितना होगा, देयरफॉर द कोरम फॉर इट्स बोर्ड मीटिंग वुड बी 4 कैसे आया, तो हम लोगों ने लिखा 1/3 किया आपने 10 का जो आया 3.3 जिसको राउंड ऑफ किया 4 पे। अब 4 हमारे पास प्रेजेंट होने चाहिए थे और प्रेजेंट कितने हैं 9, तो रिक्विसाइट कोरम तो फुलफिल होता है।
चलिए एक क्वेश्चन का आंसर तो हमको मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन है सर टोटल डायरेक्टर्स कितने हैं, तो आपने बोला सर टोटल डायरेक्टर्स तो 10 हैं, प्रेजेंट कितने हैं, तो पता लगा सर प्रेजेंट तो टोटल 9 हैं, इंटरेस्टेड कितने हैं, तो पता लगा सर इंटरेस्टेड जो डायरेक्टर्स हैं वो तो हैं 7। अब ऐसी सिचुएशन में सर अगर कोई पर्टिकुलर बिजनेस आइटम जिसमें डायरेक्टर्स तो 9 हैं बट उसमें से 7 जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं, तो मीटिंग तो सिर्फ 2 ही अटेंड करेंगे, क्या ये कोरम माना जाए? तो कह रहे देखो इफ द नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स एक्सीड्स, अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स एक्सीड कर जाते हैं किससे और इज इक्वल टू 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ के 2/3 के बराबर या उससे ज्यादा, तो हमने बोला सर 10 का अगर हम 2/3 करें तो ये आता है 6.67, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आता है 7, और हमारे पास भी इंटरेस्टेड डायरेक्टर कितने हैं 7। कह रहे ऐसी सिचुएशन में द रिमेनिंग डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग, कह रहे अगर 2/3 या 2/3 ज्यादा 2/3 से ज्यादा डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड हैं तो जो रिमेनिंग डायरेक्टर्स बच जाते हैं अगर वो कम से कम 2 हैं देन दे विल बी काउंटेड एज द कोरम फॉर सच पर्टिकुलर आइटम। अब हमारे केस में क्या हो रहा है ना, बोर्ड मीटिंग वेयर 7 out of 9 डायरेक्टर्स प्रेजेंट आर इंटरेस्टेड इन एन एजेंडा आइटम, देन 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ विल बी 7, दैट इज आपने 10 का 2/3 किया 6.67 आया, राउंड ऑफ किया तो 7 आ गया, हेंस नंबर ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ एंड रिक्वायर्ड कोरम विल बी द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड एंड प्रेजेंट एट द मीटिंग दैट इज 9 - 7 दैट इज 2, और हमको प्रेजेंट भी कितने चाहिए थे, कम से कम 2 ही चाहिए थे, तो क्या ये काम चलेगा? हाँ सर काम चलेगा। तो हमारे इन दोनों ही क्वेश्चन का आंसर हमको पॉजिटिव तौर पर मिलता है कि पी लिमिटेड ने पूरा कंप्लायंस किया है, पी लिमिटेड ने एज सच कोई नॉन कंप्लायंस नहीं किया, तो पी लिमिटेड ने जो कुछ किया बिल्कुल सही किया है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक बार आप इसको देखेंगे पढ़ेंगे, कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछेंगे। हाँ जी बताएंगे जरा सब लोग क्या आप लोगों को ये पर्टिकुलर क्वेश्चन क्लियर। बढ़िया आगे बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आता है सर, 2 से भी पहले क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं एक बार। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ध्यान से देखेंगे हम क्या है सर। कह रही कंपनी है जिसका नाम लिखा हुआ है KLM लिमिटेड, क्या नाम लिखा बेटा KLM लिमिटेड, और लिखा है उसकी ये 64th बोर्ड मीटिंग है जो हो रही है 30th June 2019, और लिखा है इस पर्टिकुलर बोर्ड मीटिंग में लिखा KLM लिमिटेड इन इट्स 64th बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 30th June 2019 इट हैज कंस्टिट्यूटेड अ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी विद ऑब्जेक्टिव ऑफ मिटिगेशन ऑफ रिस्क एंड रिकमेंडेशन ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स कंप्राइजिंग ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड 1 होल टाइम डायरेक्टर। कह रहे हैं कि 64th बोर्ड मीटिंग ऑफ KLM लिमिटेड में बोर्ड मीटिंग ने डिसीजन लिया है कि वो एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाएगी, किस ऑब्जेक्टिव से, कि वो रिस्क को मिटिगेट कर सके और ये रिस्क मैनेजमेंट कमेटी रिकमेंड कर सके उन प्रिवेंटिव मेजर्स को जिनके बेसिस पे हम रिस्क को अराइज होने से रोक पाए, और ये बोला गया कि इस पर्टिकुलर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे और 1 होल टाइम डायरेक्टर होगा। बहुत अच्छी बात, यहां तक तो हमको सारी बात समझ में आती है। फिर आगे बढ़े, लिखा इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कमेटी, ओहो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग हो रही है, 30 जून को इन्होंने मीटिंग बनाई, कमेटी बनाई, और 6 जुलाई को इन्होंने पहली अपनी कमेटी मीटिंग करी जिसमें होल टाइम डायरेक्टर कुड नॉट बी प्रेजेंट, जिसमें होल टाइम डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं हुआ एंड सॉट द लीव ऑफ एब्सेंस, ऑल्दो उसने लीव ऑफ एब्सेंस की लिए एप्लीकेशन लगाई है कि उसको लीव ऑफ एब्सेंस ग्रांट की जाए। लिखा द बोर्ड प्रपोजल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज साइलेंट विद रिस्पेक्ट टू चेयरमैन ऑफ द कमेटी एंड कोरम ऑफ द मीटिंग ऑफ कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कह रहे हैं जब बोर्ड ने रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाई थी ना, जब बोर्ड ने रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाई थी तो उन्होंने एज सच उस पर्टिकुलर कमेटी के कोरम के लिए कोई भी बात नहीं बोली थी, वो साइलेंट था, ना कमेटी के कोरम की कोई बात हुई थी ना ही कमेटी का चेयरपर्सन कौन होगा इसके रिगार्डिंग कोई बात हुई थी, इसके रिगार्डिंग बोर्ड ने कुछ भी नहीं बोला। तो बोर्ड 2 चीजों के लिए को लेकर साइलेंट है, एक तो साइलेंट किस चीज के लिए कि नंबर कोरम में कितने लोग प्रेजेंट होने चाहिए वो नहीं बताया, और दूसरे नंबर पे एक चीज और के लिए साइलेंट है सर, वो क्या
कि भैया इस पर्टिकुलर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का चेयरपर्सन कौन होने वाला है, ये भी नहीं बताया। चलो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं लिखा। और जब मीटिंग हुई तो मीटिंग में वैसे तो देखा जाए कमेटी के मेंबर्स कितने हैं, तो पता लगा कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो तो 3 हैं, जिसमें से 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं और 1 होल टाइम डायरेक्टर है। बट होल टाइम डायरेक्टर मीटिंग में आया नहीं, होल टाइम डायरेक्टर मीटिंग में आया नहीं। प्रज्ञा की बात बिल्कुल सही है सर, कमेटी मेंबर यहां पे आपस में से किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को चेयरमैन इलेक्ट कर लेंगे, बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या लिखा है, द रिमेनिंग 2 मेंबर्स हेल्ड द मीटिंग एंड द सीनियर मोस्ट डायरेक्टर प्रेजेंट एट द मीटिंग वाज सिलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी। तो जो दो रिमेनिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बचे हुए बचे, उन्होंने मीटिंग कंडक्ट की, उन्हीं में से जो सबसे सीनियर था उसको चेयरमैन बना दिया गया। कमेटी ने जो मीटिंग की उसमें उन्होंने अप्रूव की एक पॉलिसी फॉर सिस्टमैटिक रिस्क मैनेजमेंट। उस कमेटी में उन्होंने क्या किया, एक सिस्टमैटिक रिस्क मैनेजमेंट के रिगार्डिंग पॉलिसी भी अप्रूव करी। अब क्वेश्चन यहां पे आ रहा है, वेदर द डिसीजन ऑफ द कमेटी इज वैलिड इन लाइट ऑफ अप्रूव्ड सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड एज इशूड बाय आईसीएसआई। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर जो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड नंबर 1 है ना SS1, वो बोर्ड मीटिंग के साथ साथ कमेटी मीटिंग के ऊपर भी अप्लाई होता है। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली है सर, कि बोर्ड मीटिंग के साथ साथ वो और किसके ऊपर अप्लाई होता है, कमेटी मीटिंग के ऊपर भी अप्लाई होता है। ये बात तो सच है। कह रहे अगर ये बात सच है तो जरा नीचे आते हैं और बहुत ध्यान से देखते हैं। अगर आप एग्जाम में यहां पे देखिए क्लॉज 3.5 रेफर किया गया है, अगर आप एग्जाम में नहीं भी लिख पाएंगे तो भी काम चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन स्पेसिफिकली यहां पे बोला गया है कि सर वैसे तो जो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड नंबर 1 है वो डील करता है मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो बोर्ड मीटिंग्स की डीलिंग करता है। लेकिन जो क्लॉज 3.5 है ऑफ SS1, जब हम SS1 का पॉइंट कौन सा पढ़ेंगे 3.5 क्लॉज, देन इट रिलेट्स टू मीटिंग्स ऑफ द कमेटीज। तो जो क्लॉज 3.5 है ना, ये क्लॉज 3.5 कमेटी मीटिंग्स की बात करता है। किसकी बात करता है, कमेटी मीटिंग्स की बात करता है। और वो क्या कहता है बहुत ध्यान से देखिएगा, लिखा अनलेस अदरवाइज स्टिपुलेटेड इन द एक्ट और द आर्टिकल्स और अंडर एनी अदर लॉ। अरे अगर एक्ट में आर्टिकल्स में लॉ में कुछ और लिखा है तो अलग बात है। द कोरम फॉर द मीटिंग ऑफ एनी कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द बोर्ड शैल बी एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। ओहो, कह रहे सर लॉ में कुछ लिखा हो तो एक अलग बात है, वरना जो भी कमेटी का कोरम होता है, बोर्ड मीटिंग, बोर्ड की कमेटी की मीटिंग का जो कोरम होता है वो बोर्ड ही स्पेसिफाई करता है। लेकिन अगर इफ नो सच कोरम इज स्पेसिफाइड, बट बोर्ड ने अगर कमेटी मीटिंग का कोरम कोई स्पेसिफाई नहीं किया, देन प्रेजेंस ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ एनी सच कमेटी इज नेसेसरी टू फॉर्म द कोरम। ओ हो, ये जो प्रोविजन है ना, इसके बेसिस पे आपको आंसर देना है। कह रहे हैं अगर तो बोर्ड ने डिसाइड कर दिया होता कि 3 में से 2 भी प्रेजेंट होंगे तो कोरम मान लिया जाएगा, फिर तो काम चल जाता। बट क्लियर कट हमको क्वेश्चन में बोला गया, देखो क्लियर कट यहां पे लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा, द बोर्ड प्रपोजल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज साइलेंट विद रिस्पेक्ट टू की हु इज गोइंग टू बी द चेयरमैन ऑफ द कमेटी एंड साइलेंट अबाउट द कोरम ऑफ द मीटिंग। ओहो, तो ये गड़बड़ है। अब इस गड़बड़ को क्या किया जाए, तो लिखा इन द गिवन केस ऑफ द कंपनी KLM लिमिटेड इट इज स्पेसिफिकली मेंशन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ दैट द बोर्ड प्रपोजल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज साइलेंट विद रिस्पेक्ट टू चेयरमैन एंड द कोरम ऑफ द मीटिंग। ये पूरी तरीके से क्या है, साइलेंट है। चलिए बहुत अच्छी बात है। कह रहे क्योंकि कोरम स्पेसिफाइड नहीं था, तो हम जब क्लॉज 3.5 ऑफ SS1 को देखें तो वहां लिखा है कि अगर कोई कोरम स्पेसिफाई नहीं होता तो भैया फिर प्रेजेंस ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ सच कमेटी इज नेसेसरी टू फॉर्म द कोरम। बट हमारे केस में तो सर चेयरमैन जिसको हमने इलेक्ट किया वो तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था, बट जो होल टाइम डायरेक्टर था वो तो मीटिंग में आया ही नहीं, तो क्या तीनों का प्रेजेंट होना जरूरी था। तभी देखिए क्रक्स क्या निकला, क्रक्स निकला देयरफॉर द मीटिंग वॉज हेल्ड बाय रिस्क मैनेजमेंट कमेटी विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एडिक्वेट कोरम, जिसकी वजह से इन व्यू ऑफ दिस द डिसीजन टेकन बाय रिस्क मैनेजमेंट कमेटी इज ऑल्सो इनवैलिड। तो इसका मतलब जो उन्होंने ये सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स के थ्रू ये जो पर्टिकुलर मीटिंग करने की कोशिश की है उसमें जो सिस्टमैटिक रिस्क पॉलिसी अडॉप्ट की ना, बेकार है सर, वो किसी काम की नहीं है क्योंकि वो इनवैलिड है सर। बोलो बेटा, क्या ये क्वेश्चन बढ़िया लगा आपको? देखो ये क्वेश्चन तो सर सच में बढ़िया था, एक्चुअल में क्वेश्चन बढ़िया था। ये तो याद ही नहीं था। हाँ देखो ऐसे ही होता है बस, इसीलिए तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं हमारे लिए।
बट अभी उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। इसीलिए तो देखो क्वेश्चन आंसर्स करने कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सर हमारे लिए, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बस, और कोई रीजन नहीं है। बड़े आगे यहां तक कोई दिक्कत किसी भी तरीके की? नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कैसे बोलोगे आप? आरएमसी पर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। मीटिंग तो कमेटी मीटिंग ही है। हाँ, आप ये बोलोगे कि जिन प्रोविजंस के रिगार्डिंग अगर हम बोल दें कि कंपनी लॉ में कोई बात लिखी है और सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड में भी बात लिखी है, तो हम कंपनी लॉ को प्रायोरिटी देते हैं, बट जिस पर्टिकुलर चीज के लिए कंपनी लॉ साइलेंट है उसके लिए तो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड सही है। और हमने यहाँ पे भी देखो लिखा है, ये देखो क्या लिखा हुआ है हम लोगों ने, लिखा नहीं है Unless otherwise stipulated in the act। कह रहे अगर एक्ट में कुछ लिखा है तो हम एक्ट की बात को फॉलो करेंगे, लेकिन अगर एक्ट में कुछ नहीं लिखा तो इन दैट सिचुएशन फिर हम सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड पे तो आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है सर, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपसे बोला गया लाइक यू हैव बीन अपॉइंटेड एज अ कंपनी सेक्रेटरी। कह रहे आपको एक कंपनी का क्या बनाया जा रहा है? कंपनी सेक्रेटरी बनाया जा रहा है फॉर अ कंपनी फॉर्म अ मंथ एगो। अरे आपको एक कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी बनाया जा रहा है और वो जो कंपनी है वो भी एक महीना पहले ही बनी है। एज द सेक्रेटरी यू आर रिक्वायर्ड टू लिस्ट आउट द आइटम्स ऑफ बिजनेस। अब आपसे कंपनी सेक्रेटरी एज अ कंपनी सेक्रेटरी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप एक लिस्ट बनाइए कि जो कंपनी की पहली बोर्ड मीटिंग होनी है उसके एजेंडा में कौन कौन से बिजनेस आइटम्स आपको डील करने हैं। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन आया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, फिर से मैं बोलता हूँ कि आप एक कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी बनाए गए हो और जिस भी कंपनी के आप कंपनी सेक्रेटरी बनाए गए हो वो कंपनी अभी कुल एक महीना पहले ही बनी है। और क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया कि सर अब एक महीना पहले बनी है तो हम लोग बोलते हैं उसको पहली बोर्ड मीटिंग करानी होती है 30 दिन के अंदर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिंग कंपनी सेक्रेटरी कि सर हम पहली बोर्ड मीटिंग जो कराने जा रहे हैं बताइए इसमें कौन कौन से एजेंडा आइटम्स प्रेजेंट होने चाहिए। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड के एनेक्जर में हम लोग को एजेंडा आइटम्स दिए होंगे और तभी देखिए लिखा हुआ है The first meeting of the board may contain the following agendas. Like para number, to appoint the chairman of the meeting. Meeting का chairman कौन होगा? Ascertain करिए quorum present है या नहीं है and grant leave of absence अगर किसी ने absence की demand की है तो. Second, to note the certificate of incorporation of the company. क्योंकि company की अभी अभी incorporation हुई है तो company को ROC से क्या मिला होगा? Certificate मिला होगा. Issued by the registrar of companies. ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या लिखा है? टू टेक नोट ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी एज रजिस्टर्ड। तो हम लोगों ने यहां पे पहले बात की चेयरमैन की, फिर बात की कोरम की, फिर बात की ग्रांट लीव ऑफ एब्सेंस की, फिर बात हुई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की, फिर बात हुई मेमोरेंडम की, आर्टिकल्स की। यही रुक जाते हैं। प्रज्ञा का एक बहुत बड़ा डाउट सर, प्रज्ञा कहती है सर एलओडीआर में तो लिखा हुआ है कोरम रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का 2 और 1/3 मेंशनड है। बेटा यहां कहां लिखा है कि यह कंपनी लिस्टेड एंटिटी है? जब यही नहीं लिखा कि ये कंपनी लिस्टेड एंटिटी है तो इसके ऊपर पहली बात तो आप एलओडीआर एप्लीकेबल नहीं करोगे। दूसरी चीज, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एज पर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड कोरम बताइए, नॉट एज पर एलओडीआर। ठीक है प्रज्ञा, चलो आपका डाउट क्लियर है। नीचे आते हैं सर, तो हमारे सामने आया कि सर जो बोर्ड मीटिंग हो रही है उस बोर्ड मीटिंग में पहला पॉइंट क्या लिखा है कि हमको चेयरमैन की अपॉइंटमेंट करनी है, कोरम चेक करना है और लीव ऑफ एब्सेंस ग्रांट करनी है। सेकेंड नंबर हमारे पास आया कि हमको जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आरओसी ने भी इशू किया है उसको टेक नोट करना है। थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूं तो एमओए और एओए
को टेक नोट करना है. फोर्थ नंबर, टू टेक टू नोट द सिचुएशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी एंड रेटिफाई द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइटल ऑफ द प्रीमाइसेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस इन द नेम ऑफ द कंपनी. तो कह रहे हैं हो सकता है कि जब आपने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कराया तब आपने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस कोई करस्पॉन्डेंस एड्रेस के तौर पर दे दिया हो, बट क्योंकि अब आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया और कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने के आपको 30 दिन के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना होता है, तो अब आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बताइए कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है और जो भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है कंपनी के बिहाफ पे उन पे उन पर्टिकुलर एड्रेस को अपडेट करिए. देन आई हैड टू नोट द, अब ये बात हो रही है रजिस्टर्ड ऑफिस की, फिर बात हो रही है टू टेक नोट द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कि कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन है. फिर लिखा टू रीड एंड रिकॉर्ड द नोटिसेस ऑफ डिस्क्लोजर्स ऑफ इंटरेस्ट गिवन बाय द डायरेक्टर्स. ये इन्होंने दिया होगा फॉर्म एमबीपी वन में. फॉर्म एमबीपी वन एक फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में डायरेक्टर्स को अपना इंटरेस्ट बताना होता है, तो जो भी डायरेक्टर्स ने अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज किया है वो मीटिंग में सबके सामने प्रेजेंट किया जाएगा. टू कंसिडर अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर्स इफ एनी. पहली बोर्ड मीटिंग में ऑलरेडी फर्स्ट डायरेक्टर्स तो हैं, अब अगर कोई एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट होना है तो करिए, बट ये ध्यान रखिएगा जो भी ये एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट होगा ये होगा सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स. ये होगा सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स. फिर नीचे ऐसा लिखा टू अपॉइंट द चेयर अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड. ऊपर जो सबसे पहले पॉइंट पे बात हो रही थी वो बात हो रही थी चेयरमैन ऑफ द मीटिंग की, अभी बात हो रही है कि बोर्ड में चेयरमैन किसको अपॉइंट किया जाए. फिर लिखा टू कंसिडर अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स. फिर लिखा अगर कंपनी कॉमन शेयर अडॉप्ट करना चाहती है तो उसके बारे में बताए. करना चाहती है तो ठीक है क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 को मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं डालता. फिर लिखा टू अपॉइंट बैंकर्स कि हम अपना कौन से बैंक कौन सी ब्रांच को अपना बैंकर बनाना चाहते हैं और किस ब्रांच में हम अपना खाता खोलना चाहते हैं. टू ऑथराइज प्रिंटिंग ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स. और अगर डिपॉजिटरीज की बात आ रही है जो आज प्रेजेंट टाइम पे धीरे धीरे करके मैंडेटरी हो गया डीमैट के रिगार्डिंग, तो डिपॉजिटरी कौन होंगे उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ऑथराइजेशन जाएगी. फिर लिखा टू ऑथराइज द इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट टू द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम. बस ये शर्त ये है कि उन्होंने सब्सक्रिप्शन मनी दे दिया हो, लेकिन अगर अभी तक सब्सक्रिप्शन मनी नहीं दिया तो फिर हम उनको शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं करेंगे. देन टू अप्रूव एंड रेटिफाई द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट. जो कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले खर्च हुए कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले बने. बट यू लिखा टू टेक नोट ऑफ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स. आपकी कंपनी सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगी. टू ऑथराइज पर्सनल फॉर जीएसटी एंड अदर रजिस्ट्रेशन. अगर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है तो, क्योंकि आज प्रेजेंट टाइम पे हम जब फॉर्म INC 32 स्पाइस प्लस में फाइल करते हैं तो वहीं पे जीएसटी नंबर भी ले लेते हैं, वहीं पे बैंक अकाउंट भी हो जाता है. तो ये पॉइंट तभी एप्लीकेबल होंगे जब एक्चुअल में आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन या बैंक अकाउंट नहीं खोला होगा या रजिस्ट्रेशन नहीं कराया होगा तब. फिर टू डेलीगेट पावर्स फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द कंपनी कि कंपनी के बिहाफ पे हम पावर्स डेलीगेट करना चाहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ऑथराइज करना चाहते हैं कि वो कंपनी के बिहाफ पे डे टू डे एक्टिविटीज कौन परफॉर्म करे, तो हम उस पर्टिकुलर पर्सन का यहाँ पे नाम देना चाहते हैं. देन एट लास्ट टू अप्रूव द अपॉइंटमेंट ऑफ KMP इफ एप्लीकेबल एंड अदर सीनियर ऑफिसर्स. क्योंकि अगर आपकी कंपनी की कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है तो इन दैट सिचुएशन आपकी कंपनी को KMP अपॉइंट करना होगा, और अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो अपॉइंट करिए, नहीं है तो करने की जरूरत नहीं है. तो ये आपके पास कुछ आइटम्स हैं जो अगर देखा जाए तो ये ऐसे एजेंडा आइटम्स हैं जो कंपनी की पहली बोर्ड मीटिंग में ज्यादातर लेकर आए जाते हैं. ठीक सर, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था. अब अगला क्वेश्चन हमारे लिए सर एकदम बिल्कुल बाउंसर टाइप क्वेश्चन है, और आपके पास एक पर्टिकुलर केस स्टडी दी हुई है, देखिए आप लोगों को दिख रही होगी, और इस पूरी केस स्टडी को आपको पढ़ना है. पहले सर मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप पहले इस केस स्टडी को खुद पढ़िए. एंड दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन. इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, CSR के, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड के, रिस्क मैनेजमेंट के, वो मैं आपको नोट करवाऊंगा. बट उससे पहले आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करना है. बट उससे सॉल्व करने से भी पहले एक बार पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, थोड़ा सा डिटेल में देखिए क्या लिखा है.
हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ 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 बिल्कुल 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 10-12 पॉइंट पे लिखेंगे तो काम पूरा चलेगा, पूरा पूरा काम चलेगा भाई, दौड़ेगा एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन आते हैं सर। हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश भी की होगी, उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं तो मैं पढ़ाता हूँ आपको, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। लिखा है सर, एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जो कि एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है एक इंडियन कंपनी और एक मल्टीनेशनल कंपनी के बीच में। तो हम लोगों ने बोला एक इंडियन कंपनी और एक एमएनसी ने मिलकर इंडिया में एक कंपनी बनाई है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड। लिखा, इन प्रेजेंट कोविड पेंडेमिक सिचुएशन अ बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड ऑन 29th of October 2020 एट अ शॉर्टर नोटिस ऑफ 3 डेज। कह रहे कोविड को ध्यान में रखते हुए 29 अक्टूबर 2020 को कंपनी ने एक बोर्ड मीटिंग बुलाई है, और जो बोर्ड मीटिंग हो रही है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रही है, बट उस पर्टिकुलर मीटिंग को बुलाने के लिए शॉर्टर नोटिस पे बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की गई है, प्रॉपर 7 दिन का नोटिस नहीं दिया गया। हम बोलते हैं सर, हम कंपनी से पढ़ते हैं, हमको पता लगता है कि शॉर्टर नोटिस पे भी अगर मीटिंग की नोटिस जा रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंप्लायंसेस होने चाहिए बस। लेकिन वन ऑफ द एजेंडा आइटम्स वॉज अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द क्वार्टर एंडेड 30th September 2020। सर जो आप बोर्ड मीटिंग बुला रहे हो 29 अक्टूबर 2020 को, उस बोर्ड मीटिंग का एक एजेंडा आइटम क्या है, वो ये है कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव कर रहे हो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, और वो जो क्वार्टर है वो क्वार्टर कौन सा है, तो हम लोगों ने बोला जुलाई अगस्त सेप्टेंबर का है, ठीक है। लिखा, वन ऑफ द डायरेक्टर्स ज्वाइंट लेट इन द बोर्ड मीटिंग एंड वॉज नॉट प्रेजेंट वाइल डिस्कसिंग वन एजेंडा आइटम। कह रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्टर जो है वो मीटिंग को लेट ज्वाइन करता है एंड वॉज नॉट प्रेजेंट वाइल डिस्कसिंग वन एजेंडा आइटम, और जब तक वो मीटिंग को ज्वाइन करता है तब तक एक एजेंडा आइटम ऑलरेडी डिस्कस हो चुका होता है। तो इसका मतलब जो पहला एजेंडा आइटम डिस्कस हुआ उसमें वो पर्टिकुलर डायरेक्टर लेट ज्वाइन करता है जिसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, ठीक है। फिर लिखा, नन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वर प्रेजेंट, उस बोर्ड मीटिंग में कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी प्रेजेंट नहीं था। लिखा, द कंपनी नीड्स फंड एंड इज प्रपोजिंग टू इशू राइट शेयर्स। अरे कंपनी को पैसों की जरूरत है और वो प्रपोज कर रहे हैं कि हम राइट इशू लाके पैसों को इकट्ठा किया जाए, इसीलिए बोर्ड रिकमेंडेड इंक्रीज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल एज वेल एज अप्रूव्ड कन्वेनिंग ऑफ एन ईजीएम थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन 31st December 2020। और इस राइट इशू को एक्चुअल में एग्जीक्यूट करने के लिए हमको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी होगी और शेयर होल्डर से अप्रूवल लेनी होगी, लेकिन जो ईजीएम बुलानी है वो हम लोगों ने बुलानी है 31st December 2020 को, और कोविड चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, और हम इस ईजीएम को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बुलाना चाहते हैं, ठीक है, वीसी पे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा, द बोर्ड डिस्कस्ड ऑन अ बिजनेस प्रपोजल एट लेंथ इन द बोर्ड मीटिंग। कह रहे हैं कि जो बोर्ड मीटिंग हो रही है उस बोर्ड मीटिंग में पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से बिजनेस के अलग अलग प्रपोजल्स को डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है। बट वेन मिनट्स वर सर्कुलेटेड बाय द कंपनी सेक्रेटरी, बोथ द ज्वाइंट वेंचर नॉमिनी डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी हैड डिफरेंट व्यूज ऑन द डिस्कशंस मेड एंड सजेस्टेड मॉडिफिकेशंस टू द मिनट्स विच वर नॉट इन हार्मनी विद द मिनट्स सर्कुलेटेड बाय द कंपनी सेक्रेटरी। कह रहे हैं बहुत सारे बिजनेस आइटम्स, बहुत सारे बिजनेस प्रपोजल्स इस पर्टिकुलर मीटिंग में डिस्कस किए गए, बट हो क्या रहा है कि सर जब इस बोर्ड मीटिंग के खत्म होने के बाद मिनट्स बने ना, तो मिनट्स से एक्चुअल में जो नॉमिनी डायरेक्टर्स हैं इंडियन कंपनी के और मल्टीनेशनल कंपनी को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो दोनों ना मिनट्स से सेटिस्फाइड नहीं है। वो बोल रहे हैं जो कंपनी सेक्रेटरी ने मिनट्स बनाया है ना, उस मिनट्स में जो बना के उन्होंने सर्कुलेट किए हैं उसमें कुछ और लिखा है, शायद हमने डिस्कस कुछ और किया था। अब आपसे बोला जा रहा है कि सर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन है वो नॉमिनी है ऑफ इंडियन कंपनी एंड ही इज फर्म दैट चेयरमैन डिसीजन इज फाइनल इन फाइनलाइजिंग द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन है वो कह रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर मामले में उसको ऐसा लगता है कि मिनट्स के रिगार्डिंग जो चेयरमैन का डिसीजन होता है वो बिल्कुल फाइनल होता है, और चेयरमैन के अकॉर्डिंग जो देखा जाए तो कंपनी सेक्रेटरी ने जो मिनट्स बनाए हैं वो उसके अकॉर्डिंग ठीक है। अब इन सारे फैक्ट्स के बेसिस पे, क्या ये फैक्ट्स आपको समझ में आ गए? इन फैक्ट्स में मेरे को लगता है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर आपके पास कोई ऐसा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो बहुत ठंडे दिमाग से केस स्टडी को पढ़ा करिए, एक एक लाइन को दो बार पढ़ लिया करिए, बट ये ध्यान रखिए कि एक बार को ही केस स्टडी पढ़ने के बाद आपको फैक्ट्स क्लियर हो जाएं और दूसरी बार आपको केस स्टडी ना पढ़नी पड़े, क्योंकि अगर आपको दूसरी बार केस स्टडी पढ़नी पड़ी ना तो जो 10 मिनट पहले लगाए थे वो 10 मिनट फिर लगाओगे, टाइम वेस्ट होगा जिससे पेपर छूटने के चांस होंगे। तो कोशिश करिए 10 की जगह 12 मिनट ले लीजिए, लेकिन भाई प्रॉपर तरीके से
उसको पढ़िए वो, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या बात सही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़े तो हमारे सामने क्वेश्चंस आए, बेस्ड ऑन द अदर फैक्ट्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन फैक्ट्स के बेसिस पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है सर, ऊपर वाले फैक्ट्स के बेसिस से शायद कुछ खास लेना देना है नहीं। लाइक पहला, डिस्कस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी अप्रूव्ड इन बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो कह रहे हैं सर, कोविड से पहले ये पर्टिकुलर बिजनेस आइटम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डील नहीं होता था, बट कोविड के बाद रूल नंबर 4 को खत्म कर दिया गया, और इस वजह से आज प्रेजेंट टाइम पे कोई भी बिजनेस आइटम अगर बोर्ड मीटिंग में डिस्कस होना है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकता है। तो जो पहला क्वेश्चन था कि सर, जो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट होने, क्या उनको हम बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करवा के उस पर्टिकुलर बिजनेस आइटम पे वोटिंग वगैरह करवा के अडॉप्शन कर सकते हैं? कह रहे हैं हम बिल्कुल कर सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन आया, व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय कंपनी सेक्रेटरी व्हेन कंडक्टिंग बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कह रहे हैं अगर एक पर्टिकुलर कंपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बोर्ड मीटिंग करना चाहती है तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाए बाय द कंपनी सेक्रेटरी, वो आपसे पूछा जा रहा है। रोल कॉल वाली बात अभी हम करेंगे। सी, हाउ इज प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग इज रिकॉर्डेड बाय द कंपनी सेक्रेटरी इन द बोर्ड मीटिंग। कह रहे जो मीटिंग जो में जो कुछ घटा उसको कैसे कंपनी सेक्रेटरी रिकॉर्ड करता है, यानी मिनट्स बनाता है। एंड डिस्कस ऑन रिकॉर्डिंग एंड फाइनलाइजेशन ऑफ मिनट्स इन द लाइन ऑफ प्रोविजंस ऑफ एप्लीकेबल सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड नंबर 1। और कहते हैं SS1 के हिसाब से बताइए कि मिनट्स की रिकॉर्डिंग कैसे होनी चाहिए, कैसे मिनट्स रिकॉर्ड किए जाए, कैसे उनकी फाइनलाइजेशन हो, ये सारा कुछ बताइए। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या EGM वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकती है? क्या बोला गया, क्या जो EGM है क्या वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में सर, जब हम बात करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन हमसे पूछे गए, तो यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास हो जाता है ये कि हम इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को पहले समझें, उसके बाद उसका आंसर लिखें। ठीक है, अभी क्या है, नहीं, ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कौन 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 शिवम पूछते हैं सर, जो नए सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड है क्या हमारे ऊपर एप्लीकेबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो 1 अप्रैल 2024 से इफेक्टिव होने हैं, और एक्चुअल में हमारे पास जून अटेम्प्ट में जो अमेंडमेंट्स आती हैं वो 30 नवंबर तक की आती हैं, और अभी क्या है कि जो दिसंबर अटेम्प्ट होगा ना उसमें जरूर अपडेटेड सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड अपडेट हो जाएगा, तो वहां पे जरूर करना पड़ेगा, बट अभी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आज आते हैं सर, पहला क्वेश्चन करते हैं सर, डिस्कस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी अप्रूव्ड इन बोर्ड मीटिंग। तो बोला हाँ सर, अब तो कोविड के बाद तो ये अलाउड है। तो देखिए क्या लिखा है, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द क्वार्टर एंडेड 30th September 2020 शुड हैव बीन अप्रूव्ड एट अ फिजिकली हेल्ड बोर्ड मीटिंग एज पर सेक्शन 173 एंड सेक्शन 179 ऑफ द एक्ट, रेड विद रूल 4 ऑफ द कंपनीज मीटिंग्स ऑफ बोर्ड्स एंड इट्स पावर सूट्स। लेकिन कह रहे पहले तो यही था कि ये सब फिजिकल बोर्ड मीटिंग में अप्रूव, बट अभी क्या हो रहा है, हाउएवर ऑन अकाउंट ऑफ सिनेरियो ड्यू टू COVID-19 पेंडेमिक। बट सर, जो ये COVID-19 का पेंडेमिक हो गया ना, इसकी वजह से MCA ने कुछ प्रोविजंस में रिलैक्सेशन दी, एंड MCA हैड रिलैक्स्ड दीस प्रोविजंस। और रिलैक्सेशन कैसे दी, बाय प्रोवाइडिंग दैट फॉर द पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स एंडिंग ऑन 30th June 2020 लेटर एक्सटेंडेड अप टू 30th June 2021। और अब तो क्या हो गया, ये रूल ही हट गया, और अब तो बोल दिया गया सर, आज प्रेजेंट टाइम पे द मीटिंग ऑन ऑल मैटर्स मे बी हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स, देयरफॉर द रेजोल्यूशन पास्ड इज प्रॉपर। और आज प्रेजेंट टाइम पे सर, अमेंडमेंट रूल्स आ जाने के बाद तो अब क्या हो गया है, इट इंप्लाइज दैट ऑल बिजनेस मैटर्स कैन नाउ बी डील्ड इन मीटिंग्स हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स। तो इसका मतलब आज तो हम जो मर्जी कर लें, ये सारे जितने भी बिजनेस आइटम्स हैं, जो भी आप बोर्ड मीटिंग में पास करना चाहते हो, प्रेजेंट करना चाहते हो, ट्रांजैक्ट करना चाहते हो, करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और आप आराम से इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू कर सकते हैं, इसके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो पहला क्वेश्चन तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, जितने लोगों को समझ में आ गया फटाफट से बता दें, वरना हम सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि सर, अगर हमको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग करनी है तो क्या प्रोसेस अडॉप्ट करनी चाहिए कंपनी सेक्रेटरी को। तो लिखा था द कंप्लीट प्रोसेस फॉर कंडक्टिंग द बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 173 रेड विद रूल 3 ऑफ द कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर रूल्स एंड SS1। अगर आपको नहीं भी याद रहे ये सेक्शन तो आप लिख दीजिएगा रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, रेलेवेंट रूल्स ऑफ कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर रूल्स
एंड एस एस वन. याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, वैसे तो याद कर लेना चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एस एस वन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर अब ये प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाएगा कंपनी सेक्रेटरी के द्वारा, तो लिखा प्रोसेस टू बी फॉलोड बाय कंपनी सेक्रेटरी व्हेन कंडक्टिंग द बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज एज बिलो. और वो क्या कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो किया जाना है बहुत ध्यान से देखें. लिखा द नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल इन्फॉर्म द डायरेक्टर्स रिगार्डिंग द ऑप्शन अवेलेबल टू देम टू पार्टिसिपेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड. कह रहे जो बोर्ड मीटिंग बुलाने के लिए आपने नोटिस भेजी है ना, उस नोटिस में इस चीज को इन्फॉर्म करिए डायरेक्टर्स को, इस चीज को मेंशन करके डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म करिए कि डायरेक्टर्स के पास ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. सेकेंड, द नोटिस शैल ऑल्सो कंटेन ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू इनेबल द डायरेक्टर्स टू पार्टिसिपेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड. कह रहे उसी पर्टिकुलर नोटिस में हर वो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिससे कि वो पर्टिकुलर डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पार्टिसिपेट कर पाए. जैसे कौन सी इन्फॉर्मेशन, लाइक कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए चेयरमैन का, या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अगर बोर्ड के द्वारा ऑथराइज किया गया है इस चीज के लिए टू होम द डायरेक्टर शैल कन्फर्म इन दिस रिगार्ड. तो कह रहे उस पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस दे दीजिए जो या तो कंपनी का चेयरमैन है या फिर बोर्ड के द्वारा ऑथराइज किया गया है जिसको डायरेक्टर जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड करना चाहता है उसको वो कंफर्मेशन दे दे. इसका मतलब मान लीजिए मेरे पास बोर्ड मीटिंग का नोटिस आ रहा है और उसमें लिखा है कि मैं मीटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड कर सकता हूं, और मेरे को बोला जा रहा है कि मिस्टर गगन अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं तो चेयरमैन को अपडेट कर दीजिए, ये उसका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी दीजिए, तो मैं उसको बता दूंगा. ठीक सर. फिर लिखा था नोटिस शैल ऑल्सो सीक एडवांस कन्फर्मेशन. इस नोटिस में क्लियर कट लिखा होगा कि भैया अगर डायरेक्टर आपको मीटिंग अटेंड करनी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू तो आप एडवांस में बताइएगा एडवांस कन्फर्मेशन फ्रॉम द डायरेक्टर एज टू वेदर दे विल पार्टिसिपेट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड इन द मीटिंग एंड डायरेक्टर हु इंटेंड्स टू पार्टिसिपेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शैल गिव प्रायर इंटीमेशन टू चेयरमैन ऑफ द कंपनी वेल इन एडवांस सो दैट द कंपनी कैन मेक नेसेसरी अरेंजमेंट इन दिस बिहाफ. और प्रायर में आपको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप बताएंगे तो फिर हम पूरा इंतजाम करके रखेंगे. हमने आपको ऑप्शन दिया था कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अटेंड कर सकते हो, पर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सारे डायरेक्टर्स फिजिकल मोड में आ रही है तो हमको अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करना चाहते हैं तो प्रायर इंटीमेशन दे दीजिए. फिर लिखा अगर आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग अटेंड की देन एट द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग अ रोल कॉल शैल बी टेकन बाय द चेयरपर्सन वेयर एवरी डायरेक्टर पार्टिसिपेटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मींस शैल स्टेट फॉर द रिकॉर्ड द फॉलोइंग नेमली. कह रहे हैं कि जब भी मीटिंग स्टार्ट होगी तो जितने भी डायरेक्टर्स ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं उनके लिए एक रोल कॉल लाई जाएगी चेयरपर्सन के द्वारा, और रोल कॉल में उनसे पूछा जाएगा नीचे दी हुई इन्फॉर्मेशन, लाइक वो जो डायरेक्टर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपना नाम बताएंगे, वो अपनी लोकेशन बताएंगे कि वो कहां से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो ये बताएंगे दैट दे हैव रिसीव्ड द एजेंडा एंड ऑल द रिलेवेंट मटेरियल्स फॉर द मीटिंग लाइक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन नोट्स टू एजेंडा एक्सेट्रा, एंड उनके अलावा ये मीटिंग और कोई अटेंड नहीं कर रहा, दैट नो वन अदर देन द कंसर्न डायरेक्टर इज अटेंडिंग और हैविंग एक्सेस टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग एट द लोकेशन. तो वही मीटिंग वो अटेंड कर रहे हैं और कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा. जैसे ही रोल कॉल हो जाएगी चेयरमैन इस चीज को कंफर्म करेगा कि कोरम प्रेजेंट है या नहीं, क्योंकि अगर कोरम नहीं प्रेजेंट होगा तो ड्यू टू लैक ऑफ कोरम मीटिंग अगले हफ्ते के लिए पोस्टपोन हो जाएगी, अदरवाइज तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम मीटिंग को यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे. फिर लिखा एवरी पार्टिसिपेंट शैल आइडेंटिफाई हिमसेल्फ फॉर द रिकॉर्ड बिफोर स्पीकिंग ऑन एनी आइटम ऑफ द बिजनेस ऑफ द एजेंडा. ये ध्यान रखा जाए कि सर कोई भी इस पर्टिकुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रही मीटिंग में जब भी कोई डायरेक्टर अपनी बात बोलना चाहेगा तो वो ध्यान दे कि उसकी बात रिकॉर्ड हो रही है. इफ ए स्टेटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर इन द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर वीडियो विजुअल मींस इज इंटरप्टेड द चेयरपर्सन शैल रिक्वेस्ट फॉर अ रिपीट बाय द डायरेक्टर. अगर मान लीजिए किसी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, सर्वर प्रॉब्लम की वजह से, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से किसी तरीके का डिसरप्शन होता है और जो डायरेक्टर अपनी बात रख रहा है उसकी बात सुनाई नहीं देती या बीच में कट जाती है तो चेयरमैन उस डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करेगा कि आप एक बार वापस से अपने स्टेटमेंट्स को क्या करिए रिपीट कर दीजिए. फिर लिखा द मिनट्स ऑफ द मीटिंग शैल डिस्क्लोज द पर्टिकुलर्स ऑफ द डायरेक्टर हु अटेंडेड द मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मींस. कह रहे इस मीटिंग के जो भी मिनट्स बनेंगे उसमें क्लियर कट लिखा जाएगा कि कौन कौन से डायरेक्टर्स थे जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग को अटेंड किया एंड द लोकेशन फ्रॉम वेयर एंड द एजेंडा आइटम्स इन विच ही पार्टिसिपेटेड. और जो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डायरेक्टर्स प्रेजेंट थे उन्होंने कौन कौन से एजेंडा आइटम्स में पार्टिसिपेट किया, वो कहां से मीटिंग को अटेंड कर रहे थे. बस दैट्स इट. चलिए पढ़िए एक बार, कुछ पूछना हो तो प्लीज बताइए. कुछ भी पूछना हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं अभी.
देन हमारे सामने थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है लाइक वो हाउ इज द प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग इज रिकॉर्डेड बाय कंपनी सेक्रेटरी इन द बोर्ड मीटिंग। कह रहे जो बोर्ड मीटिंग की प्रोसीडिंग है उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कौन मिनट्स को फाइनलाइज करेगा। आइए लेकर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड का, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड वन का क्लॉज नंबर सेवन कहता है द कंपनी सेक्रेटरी शैल रिकॉर्ड द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग। कह रहे वैसे तो अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की बनती है कि वो मिनट्स रिकॉर्ड करें, बट इफ देयर इज नो कंपनी सेक्रेटरी देन बोर्ड के द्वारा ऑथराइज कोई भी पर्सन या चेयरमैन खुद और बाय द चेयरमैन इन दिस बिहाफ शैल रिकॉर्ड द प्रोसीडिंग्स। ठीक लिखा द चेयरमैन शैल इंश्योर दैट प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग्स आर करेक्टली रिकॉर्डेड। कह रहे हैं ये मीटिंग के चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो इस चीज को इंश्योर करे कि मिनट्स प्रॉपरली रिकॉर्ड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। लेकिन द चेयरमैन हैज एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन टू एक्सक्लूड फ्रॉम द मिनट्स मैटर्स व्हिच इन हिज ओपिनियन आर और कुड रीजनेबली बी रिगार्डेड एज डिफेमेटरी ऑफ एनी पर्सन इररिलेवेंट और इमटीरियल टू द प्रोसीडिंग्स और व्हिच आर डिट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। कह रहे ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है सर। कह रहे चेयरमैन के पास एक बहुत एक्सक्लूसिव पावर है कि अगर उसको लगता है कि मीटिंग के मिनट्स में कोई ऐसी चीज लिखी जा रही है जो किसी तरीके से क्या है डिफेमेटरी है किसी पर्सन के रिगार्डिंग, इररिलेवेंट है, इमटीरियल है, जरूरत ही नहीं है सर इस पर्टिकुलर मीटिंग के मिनट्स में उसकी, या फिर वो कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो इंटायर सिचुएशन चेयरमैन के पास पूरी पावर है कि वो इस पर्टिकुलर मैटर को इंक्लूड ना करे उस पर्टिकुलर मिनट्स में। ठीक है फिर लिखा सर मिनट्स नीड नॉट बी टू बी एन एग्जैक्ट ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स एट द मीटिंग। ये बहुत अच्छी लाइन लिखते हैं सर हम लोग एसएस में कि मिनट्स का मतलब ये नहीं है कि जो कुछ हो रहा है सब कुछ लिख लो, प्रॉपर एग्जैक्ट ट्रांसक्रिप्ट नहीं लिखनी, आपको क्रक्स लिखना है और ये बात ध्यान रखनी है कि मिनट्स में हर वो चीज लिखी जाए जो जरूरी है। लिखा इन केस एनी डायरेक्टर रिक्वायर्स हिज व्यूज और ओपिनियन ऑन अ पर्टिकुलर आइटम टू बी रिकॉर्डेड इन द मिनट्स द डिसीजन ऑफ द चेयरमैन वेदर और नॉट टू डू सो शैल बी फाइनल। कह रहे हैं कि सर अगर कोई पर्टिकुलर डायरेक्टर अपना रिव्यू देता है अपना व्यू देता है कि एक पर्टिकुलर आइटम को मिनट्स में रिकॉर्ड होना चाहिए तो उस केस में जो चेयरमैन का डिसीजन है ना कि उसको रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है वो बिल्कुल फाइनल डिसीजन होगा, यहां पे किसी भी तरीके से कोई भी इफ एंड बट नहीं होगा। फिर लिखा इन केस ऑफ मीटिंग हेल्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। कह रहे अगर मीटिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो रही है देन ऑल द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग शैल बी डीम्ड टू बी मेड एट द वेन्यू ऑफ द मीटिंग एज मेंशन इन द नोटिस। कह रहे हैं तो जितनी भी उस पर्टिकुलर मीटिंग की रिकॉर्डिंग्स होंगी जो भी उस मीटिंग में प्रोसीड हुआ जो भी प्रोसीडिंग्स उनकी जो रिकॉर्डिंग करेंगे वो मान के चलेंगे कि वहां पे हुआ है जहां पे मीटिंग का वेन्यू था। पर लिखा था प्रोसीडिंग्स ऑफ मीटिंग्स हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मींस शैल बी रिकॉर्डेड थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म एंड डिटेल्स ऑफ द वेन्यू डेट एंड टाइम शैल बी मेंशन। लाइक जूम पे अगर मीटिंग हो रही है तो जूम पे आप उस पर्टिकुलर मीटिंग को रिकॉर्ड कर सकते हो, वो एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म माना जाता है। फाइनलाइजेशन ऑफ मिनट्स तो कहते हैं कि मीटिंग कंक्लूड होने के 15 दिन के अंदर विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग द ड्राफ्ट मिनट्स thereof शैल बी सर्कुलेटेड टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड। कह रहे जब मीटिंग कंक्लूड होगी तो मीटिंग कंक्लूड होने के 15 दिनों के अंदर ड्राफ्ट मिनट्स सर्कुलेट किए जाएंगे बोर्ड के हर मेंबर को एज ऑन द डेट ऑफ द मीटिंग फॉर देयर कमेंट्स कि इस पर्टिकुलर मीटिंग में ये कुछ घटा। The directors, whether present at the meeting or not, they shall communicate their comments, if any, in writing on the draft minutes within 7 days from the date of the circulation thereof. कह रहे हर director को इस minutes की copy जाएगी, भले ही वो director meeting में present था या नहीं था, और अगर वो किसी भी तरीके से इस minutes पे comment करना चाहे तो comment कर सकता है, और ये जो comment करेगा वो कितने दिन में करेगा? Circulate होने के 7 दिन के अंदर, so that minutes are finalized and enter in the minutes book within the specified limit of 30 days. And minutes shall be entered in minutes book within 30 days from the date of the conclusion of the meeting. तो एक बार आप फटाफट से इसको पढ़ेंगे, कोई डाउट लगे तो प्लीज पूछिएगा।
हाँ जी हाँ, प्रीवियस मीटिंग के जो मिनट्स होते हैं वो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में प्रेजेंट करने कंपलसरी होते हैं। बिल्कुल सही बात है ध्रुव। चलिए आगे, आखिरी क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि सर क्या ईजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो सकती है, तो कह रहे यस, सर्कुलर पास हुए और सर्कुलर के बेसिस पे टिल 2024 बोला गया एजीएम हो या ईजीएम आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर सकते हैं। तभी लिखा सर द कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफिक प्रोविजन अलाउइंग और डिस अलाउइंग कंडक्ट ऑफ मेंबर्स मीटिंग, मेंबर्स मीटिंग वाला जनरल मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एनी अदर एडवाइजर मीन्स के। तो कह रहे जो कंपनीज एक्ट है ना उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं लिखा जहां पे क्लियर कट ये लिखा हो कि आप जनरल मीटिंग अलाउ करें या जनरल मीटिंग को आप डिस अलाउ करें थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नहीं देखो होता क्या है ध्रुव, खाली बस जो लॉजिक होता है ना वो ये होता है कि हम ये कहना चाहते हैं कि मिनट्स बुक में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं, बट हम अगली मीटिंग में जब पुराने मीटिंग के मिनट्स पेश करते हैं ना तो वो सिर्फ कंफर्मेशन के लिए होते हैं कि वो सारे मिनट्स अब फाइनल हो चुके हैं, अपने मिनट्स बुक में डाल दिए हैं, चेयरमैन उस पर साइन करता है और कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है चलो। तो हाउएवर इन व्यू ऑफ द करंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक एमसीए हैज अलाउड कंपनीज टू होल्ड ईजीएम्स थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मींस और पोस्टल बैलेट सब्जेक्ट टू सम गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर सर्कुलर्स। बस करना क्या है कि आपको सिर्फ सर्कुलर्स के थ्रू जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं उनको फॉलो करना है, वरना आप आराम से जो ये मीटिंग्स हैं इनको आप आराम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू कर सकते हैं। और सिर्फ ईजीएम ही नहीं, आज प्रेजेंट टाइम पे आप एजीएम भी, कोविड के बाद से एजीएम भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर सकते हो, बट अभी सिर्फ 2024 तक ही कर सकते हैं, यहीं तक के लिए सर्कुलर में आपके लिए बोला गया है, उसके बाद के लिए परमिशन नहीं दी गई है। चलिए तो अभी अगर क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाता है तो आपको यही लिखना है कि यस आज के सिचुएशन में आप एजीएम और ईजीएम दोनों ही, आज के सिचुएशन में आप एजीएम और ईजीएम दोनों ही बिल्कुल कर सकते हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है चलो, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ें, आगे 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 बढ़ें, और अब यहां पे हमारे जो क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर अप करने थे ये पूरी तरीके से कवर अप हो गए हैं सर, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो रह गया हो, अब हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस कवर अप कर दिए। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन सही रहे होंगे क्योंकि आपके सामने ये स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे और इनका किया जाना सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड वाले चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और हम लोगों ने इसको कवर अप तो किया, बट कुछ क्वेश्चन मैं आपको आज प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चन नोट करिएगा, कुछ करीबन 10 क्वेश्चन के आसपास मैं आपको क्वेश्चन भेजता हूँ। हाँ, बिल्कुल ध्रुव, आज प्रेजेंट टाइम पे सारे के सारे डायरेक्टर्स मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यस एवरीवन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं सो दैट आप उसका आंसर दे पाए। चलिए हेडिंग लिखिएगा सर, मंडे को अब हम लोग बेटा पार्ट सी करेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऑलमोस्ट 2-3 दिन अब हम लोग पार्ट सी करेंगे। अच्छा एक चीज मैं और सोच रहा हूँ कि मैं कुछ प्लान ऐसे कर रहा था कि हम लोग जैसे 1 घंटे की क्लास रहते हैं ना, तो शायद नेक्स्ट वीक ऐसा होगा कि मैं आपकी 2 घंटे की क्लास लूंगा, और अगर 2 घंटे की क्लास होगी तो हम बीच में हफ्ते में 2 या 3 दिन क्लास लेंगे, बट 2-2 घंटे की ले लेंगे। अभी आप ऐसे समझ लीजिए कि हम 1 हफ्ते में 5 घंटे की क्लास ले रहे हैं, अगर हम 5 डेज अ वीक क्लास लाते हैं तो 5 घंटे में कोशिश करूंगा कि 2 क्लास में ही खत्म करा, तो उससे क्या होगा कि आपको एक तो रोज के रोज नहीं आना पड़ेगा क्लास में और 2.5 घंटे की लंबी क्लास आपके 2-2 चैप्टर्स या 3-3 चैप्टर्स के क्वेश्चन एक साथ खत्म, वो ज्यादा इजी है। ठीक है चलिए, तो अभी हमारे सामने आता है सर एक क्वेश्चन लिखने लाइक लिखिएगा सर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लाइक पहला रिकॉर्डिंग ऑफ मिनट्स, सेकेंड मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स, थर्ड प्रिजर्वेशन ऑफ मिनट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। और ये सब एज पर
SS1 है, ये सब एस पर कैसे हैं SS1। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नोट करते चलिएगा ठीक है आप लोग, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है सर। चलिए अगला क्वेश्चन सर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग्स एज पर SS1। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग्स एज पर SS1। चल एक क्वेश्चन और लिखते हैं सर, ऐसे लिखेगा, वॉट आर द प्रोविजन्स अंडर सार्बन्स ऑक्सले एक्ट 2002 फॉर प्रोटेक्शन ऑफ विसल ब्लोअर्स। प्रियांशी आपकी बात बिल्कुल सच है, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर कंपनी में है ही नहीं तो बोलो, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी में है ही नहीं तो ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन हो गया, व्हाट आर द प्रोविजंस अंडर सार्बन्स ऑक्सले एक्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ विसल ब्लोअर्स। एक क्वेश्चन मैंने आपको ये दे दिया, कितने क्वेश्चन हो गए, तीन, टोटल पांच क्वेश्चन मैं दूंगा आपको अभी, क्योंकि पांच क्वेश्चन मैं आपको फिर रिस्क मैनेजमेंट के भी दूंगा, बट मैं आपको डायरेक्टली भेज दूंगा, इसको तो नोट करवा दिया है, उसके क्वेश्चन थोड़े से लंबे हो सकते हैं तो मैं आपको टाइप करके दूंगा, वो ज्यादा बेहतर होगा ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है सर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन CSR ऑडिट। ऑल्दो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके न्यू सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए इसके चांसेस थोड़े से कम है, बट फिर भी हमको थोड़ा सा आना चाहिए, मतलब इतना आना चाहिए कि अगर तीन मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पुट अप कर दिया जाए तो आप क्या आंसर लिखेंगे, आपको इतना कम से कम CSR ऑडिट पे एक क्वेश्चन लिखना बनता है ठीक है। चलिए फिर आते हैं सर, क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, लाइक डिस्कस इन ब्रीफ द फॉलोइंग, क्या डिस्कस करना है, लिखा डिस्कस इन ब्रीफ द फॉलोइंग, पहले नंबर पे गवर्नमेंट रोल इन इंप्रूविंग सस्टेनेबिलिटी, गवर्नमेंट रोल इन इंप्रूविंग सस्टेनेबिलिटी एंड सेकेंड फंक्शंस ऑफ CSR कमेटी। चलिए तो ये आपके सामने कुछ पांच क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, उम्मीद करता हूं कि आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगेगी तो प्लीज आप यहाँ पे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं मेरे से कल अगले सेक्शन में डाउट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कुछ पांच क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिए हैं, आपकी स्क्रीन पर देखिए आपको एक साथ दिख रहे होंगे, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, क्लियर है बेटा यहां तक। चलिए तो ये क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, और अब हम मिलेंगे कब, मंडे को, और मंडे को हम जो क्लास रखेंगे अगेन रात में 10 बजे, और ध्यान रखिएगा हम करेंगे क्या, पार्ट सी, और अब मंडे ट्यूजडे एंड मोस्ट प्रोबेबली शायद वेडनेसडे भी हम पार्ट सी के दोनों चैप्टर्स कवर अप करेंगे ठीक है। चलिए तो जैसा हम लोगों ने प्लान किया था, अगले 3 दिनों में अब हमारा पार्ट सी भी हो जाएगा, अगर हमारा पार्ट सी हो जाएगा ना तो देखिए हमारे पास 6 बड़े बड़े चैप्टर्स हो जाएंगे, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड हो गया, CSR हो गया, स्टेक होल्डर्स राइट हो गया, पार्ट सी के दोनों चैप्टर्स हो गए ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आपको क्या होगा, 6 चैप्टर्स हो जाएंगे ना,
तो क्वेश्चन आंसर्स की थोड़ी सी आपको एडवांटेज मिल जाएगा। चलिए, सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर डे, होप यू एंजॉयड द सेशन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टिल देन गुड बाय, एंजॉय योर वीकेंड, वीकेंड तो क्या ही एंजॉय करोगे आप, पढ़ाई करनी है आपको, गुड नाइट, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।